तो गाइस ये बीकानेर स्वीट्स कॉर्नर है NIT 3 का। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये मूलचंद टिक्की वाला है। यहाँ इन्होंने टाई अप किया है अपने मूलचंद और बीकानेर ने। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ आना चाहें तो मैं हम लोग एक काम करेंगे, इसका एड्रेस गूगल लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप प्लीज़ वहाँ से फाइंड आउट कीजिए। आइए अब अंदर चलते हैं। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है। ये देखिए, ये शील्ड है यहाँ पर ताकि कस्टमर जितने भी आए अपने वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहें। अच्छा, जैसा इंडियन गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स आ रखे हैं, इसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट डालनी बहुत ज़रूरी है, इसका पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। प्रेम सिंह राजपुरोहित। प्रेम सिंह जी के साथ हैं, यहाँ बीकानेर के ओनर हैं यहाँ पर ये। आप थोड़ा सा बताएं हमें बीकानेर के बारे में, यहाँ इस वाली ब्रांच के बारे में बताएं। अच्छा, हमारी NIT में 3 नंबर पे बीकानेर स्वीट कॉर्नर है, 7-8 साल से है जी। और हम क्वालिटी अच्छी मेंटेन करते हैं और ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स है जी। और आगे भी हम ऐसा है कि ग्राहकों को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बहुत बढ़िया, मेरे को आपकी बहुत अच्छी बात लगी। एक तो आपने जो हाइजीन आप मेंटेन कर रखी है, जैसे कि मैं देख पा रहा था यहाँ पर आपने मास्क के लिए भी एक लगा रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो इसके लिए आपने शील्ड लगा रखी है। और साथ में जो बात बहुत अच्छी इंटरेस्ट इस समय हुआ वो ये है, जो अभी भारत सरकार ने नॉर्म्स निकाले अपने कि आपको खुली मिठाइयों पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमने भारत सरकार ने गाइडलाइंस शुरू की, उसके बाद में हमने ये लगाना शुरू कर दिया कंपलसरी जी, 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 जी। इससे क्या ग्राहकों को दिक्कत नहीं हो, भाई इतने दिन चलेगी, इतने दिन यूज कर सकते हैं आसानी से। और साथ वैरायटी वाला सामान रखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। तो हम अभी तो पेट हमारा भरा हुआ है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अपना गुलाब जामुन ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यहाँ के गुलाब जामुन खाते हैं। ये मास्क रिकॉर्डिंग के लिए हटाया गया, यहाँ पे मास्क पहनना ही जरूरी है, हम लोगों ने सिर्फ मास्क सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए हटा रखा। तो आइए एक बार गुलाब जामुन ट्राई करते हैं। ये गुलाब जामुन का रेट ऑटोमेटिकली आ गया, हम बताने वाले थे, तो जिस हिसाब से भैया ने ये रेट लगा रखे यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन मसाला होता है। ये कौन है? ये मैनेजर साहब है यहाँ के बीकानेर के, तो ये कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा सा। गुलाब मास्क हटा ले, हमारे अपनी शक्ल दिख जाए, पहले अपना नाम बताएं, अपना नाम। हमारे गुलाब जामुन की विशेषता ये है कि अंदर मसाला केसर और बादाम पिस्ता का मसाला भरा हुआ रहता है। आपको नाम बताएंगे? मेरा नाम दलपत सिंह राजपुरोहित। दलपत जी साहब, ये यहाँ के मैनेजर हैं जो यहाँ पे सारा मेंटेन करते हैं, बाकी सारा स्टाफ हमारे साथ ही है। इस तरह एक बार ट्राई करते हैं, वो गर्म हो रहे हैं, वो आपको दिख रहे हो तो गर्म होते हुए। तो ये लो जी, ये हमारा जब कर गुलाब जामुन है वो आ गया। तो पहले इसको नीरज ही ट्राई करेगा। नीरज आप ट्राई करो, इसको बीच में दिखा दो आप मसाला अंदर। देखिए ये मैनेजर जी कह रहे हैं यहाँ पर कि स्पेशल एक मसाला है, सीक्रेट मसाला है कुछ इसके अंदर। देखिए
अरे वाह, केसर का रंग आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया गोल्डन कलर आ रहा है इसका। एक बार इसके टेस्टिंग करके बताएंगे नीरज, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। जी, जो इनका प्रेजेंटेशन का स्टाइल है बहुत अच्छा लगा। कटलरी कोई आपको प्लास्टिक की नहीं मिलेगी यहाँ पर, ये सारा डिस्पोजेबल है बेसिकली। एक अलग केसर की खुशबू आ रही है इसमें से, जैसे मैंने इसको ब्रेक किया बीच में से केसर की खुशबू आ रही है मेरे को, बहुत बढ़िया। आम गुलाब जामुन जैसा नहीं है, अंदर से केसर का अरोमा है खूब निकल कर बाहर आ रहा है। और इसमें ड्राई फ्रूट का है, बादाम, थोड़ा बादाम का टेस्ट आ रहा है इसमें बिल्कुल। हम बादाम, पिस्ता,